अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट और दूसरी अपडेट आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर आपको देखना चाहिए। जो क्या काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे डेट कब आएगी और क्या अभी स्थिति है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और फाइनली डेट कब आने वाली है वो मैं आपको बताऊँगा, आई है अभी डेट या नहीं आई है, तो आप ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखते रहें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो 682 नए केसेज आए हैं, टोटल केसेज 1,22,317 हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और 749 लोगों की जो है टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के होते हुए। 620 की रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,13,391 लोगों की। बात करते हैं टेस्ट की, तो 5,431 जो है नए टेस्ट हुए हैं और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं जो कि कोरोना वायरस के अभी तक 8,81,681 हो चुके हैं। 8,177 जो है वो अभी भी एक्टिव केस हैं, जो सीरियस केस हैं 122 सीरियस केस हैं। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ऐसी जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप उसी से अंदाजा लगा सकें अभी कुवैत की स्थिति क्या चल रही है क्या नहीं और आने वाले वक्त में कितना टाइम लग सकता है चीज़ों को समझने के लिए। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो फ्लाइट के हवाले से है, डेट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी मीटिंग हुई थी उसमें फाइनली जो है डेट के बारे में बताया गया है और काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे थे। कमेंट में देखता था ज़्यादातर इसी के बारे में थे, फ्लाइट कब ओपन होगी और हमें वहाँ पर जाने के बाद में PCR का क्या करना क्या नहीं करना, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से, 34 कंट्री जो बैन कर रखी हैं कुवैत ने उससे सफ़र करना चाहते हैं, तो पहले 2 स्टेज में चालू की जाएंगी और जिसमें के ज्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं उनको भी रखा गया है और जिसमें कम है उनको भी रखा गया है। लेकिन अब जो डेट फाइनली बताई जाएगी वो बताई जाएगी अगले हफ्ते, यानी कि अभी नहीं बताई जाएगी, अगले हफ्ते जो है इस पर बैठ के मीटिंग होगी। वो बैठ के मीटिंग होने के बाद में कौन कौन से देश की कंट्रियों को जो है फ्लाइट चलानी है और कौन कौन सी को अभी जो है आगे पोस्टपोन कर देनी है, वो सारी चीज के बारे में क्लियरली बात होगी अगली मीटिंग होने वाले में। अभी ये नहीं कंफर्म किया, सिर्फ अगला हफ्ता बताया गया है न्यूज़पेपर में। और जैसे ही अगले हफ्ते में जो वो दिन आता है कि कौन से दिन जो है मीटिंग होने वाली है और कौन से दिन जो है क्लियर ही बताने वाले हैं कि इस दिन जो है मीटिंग होने वाली है, तो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा उस वीडियो को। ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको मिलती रहे अपडेट इस तरह की, और आप सफ़र करना चाहते हैं इंडिया से तो आपको ज़रूर वो अपडेट भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।